बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से आज का वला। अभी मैं दरिया पे आया था, भैंस को इधर दरिया पे छोड़ना होता है, और जा रहा हूँ अपने खेतों में। आज लाभ को स्प्रे करना है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गंद हो गया था, उससे स्प्रे करूँगा। टैंकी उधर मैं रास्ते में ही रख के आया हूँ, स्प्रे वाली, अभी रास्ते में से उठा के फिर आगे जाना है सीधा खेतों में। तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर, ये इधर मैं नलके के पास आ गया, टैंकी इधर से फिल करनी है। आज जक्खड़ बहुत ज़्यादा है और मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अभी देखिए उसमें से पानी भी साइड पे गिर रहा है क्योंकि हवा है। अभी मैं स्प्रे करके घर वापस जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ घर। स्प्रे सारा हो गया था क्योंकि अब 3-4 दिन बाद लगानी है लाभ, तो इसलिए स्प्रे कर दिया है। गंद वगैरह मर जाएगा तो उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे लगाना। अभी तक कोई बारिश नहीं हुई, अल्लाह करे बारिश हो जाए तो फिर जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। सारे लोग बारिश का वेट कर रहे हैं लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। जैसी बारिश होगी तो हमारे विलेज में चावल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मैं घर आ गया हूँ और अबू बोल रहे हैं कि दरिया पे जाना है। अभी उधर एक पैप हमारा दरिया के अंदर गिर गया था और ऊपर से पानी आ रहा है तो वो बीच में ही कहीं चला गया, बाहर से नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं किधर है। तो अभी उधर जा रहे हैं, वो आज देखेंगे कहीं है, सरिया सा ले जाएंगे उसके साथ चेक करेंगे। अजमत लोग भी उधर हैं, उन्हें भी कॉल किया है कि वो भी आ जाएं, तो वहाँ से अभी जा कर निकालना है। अभी मैं दरिया पर पहुँच गया हूँ, ये सरिया भी है, बाइक इधर ही खड़ी कर दी है, आगे पानी है तो उसे आगे जाना है। अजमत भाई और अख्तर जोन से हैं, वो पैप देख रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा, इधर पानी बहुत ज़्यादा गहरा है। अब देखें आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है इधर से पाइप मिले क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गहरा हो गया, तो ये इधर से नहीं मिलेगा। अभी दरिया से निकल आए आगे, हमें पैप नहीं मिला, काफ़ी ट्राई किया, ये सरिया भी फास था। अख्तर भाई बहुत तैर के देखते रहे हैं लेकिन मिला नहीं है। अभी वापस जा रहे घर, काफ़ी धूप भी आ गई है इसलिए गर्मी लग गई थी। इधर पानी से फिश पकड़नी है, ये सारा वो उस साइड पे ज़्यादा है, इस साइड पे कम है। अभी जाल मारा है उधर पानी में से, तो फिश इसमें काफ़ी आ गई हैं, छोटी लेकिन काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। ये अंबर भाई निकाल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फिश हैं, जाल भी काफ़ी लंबा था। ये देखें इधर, ये बड़ी है, काफ़ी है, आधा किलो की है ये, और बाकी भी इतनी छोटी नहीं है, काफ़ी फिश इसमें आ गई हैं।
देखें अभी भी सारे दोस्त निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इतना जितनी हमें उम्मीद थी इतने तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा हैं फिश। ये अमर भाई से अभी तक नहीं निकल रही, देखें कितनी ज़्यादा हो गई हैं। ये 5 से 5-6 किलो होंगी सारी, अंदाजन इतनी हैं, काफ़ी हैं। बस इतना दो भी थी, लेकिन एक इधर से ही मारा है बस जार। दोस्तों अभी हम लोग घर जा रहे थे तो रास्ते में देखा, ये देखें कितने कुरान पाक के पारे इधर पड़े हुए हैं। जो लोग दरिया में ज़ेब करके फेंकते हैं तो देखें इधर ये रेत के ऊपर पड़े हुए हैं। ऊपर ही भैंसें भी आती रहती हैं, डॉग वगैरह होते हैं इधर ही, तो इस तरह बहुत सख्त गुनाह मिलता है। देखें ये इधर ऐवें ही पड़े हुए हैं, तो अल्लाह माफ़ करे। अभी इनको साइड पर लगा रहे हैं पारे सारे इसमें डाल के, तो इधर से कई भी ले आए हैं, तो अभी इनको कहीं दफन करेंगे इधर ही रेत पे। इसमें पारे सारे रख दिए हैं नीचे, और ऊपर से अब बंद कर रहे हैं, कब्र सी बना दी है, दफन कर दिए हैं। और अभी इनके ऊपर ये रख दिए हैं सारे दरख्तों की टहनियाँ, कांटे वगैरह, ताकि कोई चीज़ ऊपर ना चढ़े। तो खुदा रास्ता ऐसा ना किया करें, कहीं दफन कर दिया करें कब्रिस्तान वगैरह में।